नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदमी घूरने लगते हैं जब मैं निकलती हूं ऐसे, महिला ने बयां किया अपना दर्द, कहा नहीं है बराबरी। महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यह हर तरह का समाज में एक विवाद होता है। भारत में रहने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि पश्चिमी संस्कृति में महिलाओं को कम कपड़े पहनने की आज़ादी है और उन्हें ऐसा करने से किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो यह सही नहीं है। ब्रिटेन की एक महिला ने अपना कड़वा अनुभव साझा किया। जब उसने गर्मी का मौसम शुरू होने पर साल में पहली बार शर्ट्स पहनने और पुरुषों के घूरने का सामना करना पड़ा। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हेली मेडिगन ने सोशल मीडिया पर उन पुरुषों पर अपनी खीज जाहिर की है जो उसे घूर रहे थे जब वह शर्ट्स में बाहर निकली थी। हेली ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि क्यों जब वह शॉर्ट्स पहनती हैं तो उससे पुरुष उस पर सामान्य से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। शॉर्ट्स जैसे कपड़े पहनना ब्रिटिश जैसे पाश्चात्य संस्कृति वाले देश में सामान्य बात है, लेकिन फिर भी हेली ने इंस्टाग्राम पर बताया क्यों गर्मियों में शॉर्ट्स पहनना पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने अपना गुस्सा साझा करते हुए बताया कि उसे अब याद आया कि उसे शॉर्ट्स क्यों ना पसंद है। हेली का कहना है कि शॉर्ट्स पुरुषों को घूरने, सीटी मारने और फिक्रे कसने का ज्यादा मौका देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेली शॉर्ट्स कभी पहनती ही नहीं है। वे नियमित रूप से जिम में वर्कआउट करते समय शॉर्ट्स ही पहनती हैं, लेकिन उनका कहना है कि वह शॉर्ट्स पहन सड़कों पर सहजता से नहीं निकल सकती हैं और वो भी बिना अनजाने पुरुषों का ध्यान खींचे तो बिल्कुल नहीं। फिटनेस फ्रीक हेली सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट के कई पोस्ट डालती रहती हैं और वे स्त्री पुरुष समानता की बड़ी पैरोकार है। उनका मानना है कि महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए अलग ही जीवन जीना पड़ता है। उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि वे हमारे वातावरण में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हेली कहती हैं कि महिलाएं समान नहीं हैं और वे कभी समान नहीं थीं। उनका साफ कहना है कि फेमिनिज्म पुरुषों को कमजोर महसूस कराने के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं को बेहतर महसूस कराने को लेकर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।